तो जी ऑलमोस्ट सफर का आगाज हो चुका है। पिछले दिन हमने तलालपुरा से गाड़ी की उतार दी है क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम कैम्बर था, तो मोटरवे पे फटने का डर होता है। आपको पता है, आप सबसे पहले आप किसी सफर पे निकलते हैं तो अपनी जान और अपनी माल की, अगले की जान माल की भी हिफाजत करें। तो ये गाड़ी अब हमने पकड़ाने लगे हैं मौसम को, वो ये गाड़ी खुद ही ले आएंगे खैर खरीद से। तलाल ऊपर तो करके रहा, मैंने तो अभी तक देखी भी नहीं गाड़ी को। और पेट्रोल बड़ा महंगा है जी, बहुत महंगा है जी। यारा जी हमने पंप डाल लेने हैं, ये गो का डाल रहा है इधर। टायर का तो जी यहीं कराए नहीं, सुबह सुबह बड़ी मेहनत की हमने भाई। ओए BMW की ड्राइव भीगी आ जाए, नीचे करें नीचे। हां भाई, इतनी गाड़ी बाप के वाले हैं। खैर खरीयत से आना है, इजाजत दो आप। खैर ऑफिस से आना, कैचअप कर लिया। आ जाओ आप बैठो अपनी गाड़ी में राजा मोइंस, लेट्स गो। 2 hours later. जी गाइस, हमारा सफर तो शुरू हो चुका हुआ था, तो हमारा इस टाइम आधा सफर मेरा क्रॉस कर चुके हुए हैं। इस्लामाबाद मेरे ख्याल से 140 कितना को होगा, 150 किलोमीटर है। तो हम सुबह 10 बजे के लगे हुए हैं उठ के, पहले प्लान नहीं था, अर्जेंट प्लान बना, तो थकावट और इस टाइम जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन जाहिर सी बात, अब तलाल ने भी घर जाना था, हमने भी गाड़ी देखनी थी। एक गाड़ी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, पहले आपको बेहतर करें कि हम खैर ऑफिस से पहुँचे और जाके आपको गाड़ी दिखाएं और गाड़ी लेके इंशाल्लाह लाहौर है। आपका भाई तलाल FB2 चला रहा है, चेक करें, थोड़ा सा स्टीयरिंग टेढ़ा है लेकिन मसला कोई नहीं है। गाड़ी की अलाइनमेंट एयर राइड है ना, तो छोटे मोटे मसले आते रहते हैं। इट्स नॉट टू मच बम्पी, लेकिन ना एयर अच्छी डली हुई इसके अंदर ना। ये जो एयर BFT वाली राइड है वो ज़रा इससे अच्छी है बहुत, लेकिन वो पैसे भी अच्छी है। डेट्स व्हाई आई प्रेफर दैट एयर। आप इस एयर पे जा सकते हैं अगर आपने ये एयर लेनी हो थोड़े कम पैसों में, तो आप तलाल भाई से रब्ता कर सकते हैं, या आई प्रेफर बेटर थिंग्स। यस, लुक एट दिस। 2 hours later. यार माशाल्लाह माशाल्लाह, उमर खान स्वाति भाई के घर रहे हैं। ये विलिस खड़ी है, वो क्या है, क्वाड बाइक। वो चेक करें प्राचा साहब को, क्वाड बाइक। ये सब कुछ छोटा जो मजेदार चीज है वो आपको दिखाते हैं। वो मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाया हुआ है वो गाड़ी। ये चेक करें माशाल्लाह, फेल लेडी 350Z। एक्स ओनर का भी आपको पता है, प्रेजेंट ओनर जो है उनसे आपको मिलवाते हैं। स्वाति भाई इधर तो आए ज़रा, इसकी एयर मैंने अपने हाथ से अनबॉक्सिंग की थी। ये माशाल्लाह न्यू ओनर है, एक्स ओनर भी आपको पता है और न्यू ओनर का भी आपको पता लग गया। तो ये गाड़ी के अंदर एयरफोर्स मौजूद है, जिसका व्लॉग मैंने पहले डाला था, ठीक है। ये जो जी है ना, इसके जो एक्स के एक्स ओनर थे ना, वो भी मेरे दोस्त थे, और सारे जी समझते होंगे कि ये गाड़ी जिसके पास जाती मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तीनों ओनर जो थे ना, तीनों मेरे दोस्त थे। पहुंच गए थे तलाल पराचा के घर, आके हम सो पे उठे हैं और फ्रेश होकर अब निकलने लगे। अब हम फ्रेश होकर निकलने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ, रवा दवा मरी, क्योंकि गाड़ी वाले ने कहा है आप सुबह आए गाड़ी देखने। दिस इज प्राचा हाउस एंड प्राचा रूम, यू कैन सी मैं इधर सोया था लेकिन प्राचा उधर सोया था। चले यार, और मौसम भाई भी बाहर हमारी सिटी लेके आ चुके हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं अपने घर। आपको पता है जो मज़ा अपने घर का होता है ना, हम अपनी जगह अपने घर मरी पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह सुबह का प्लान है हमारा, गाड़ी वाले के साथ बात हुई है, सुबह गाड़ी देखेंगे, समझ आई तो इंशाल्लाह कल पेमेंट वगैरह करके गाड़ी लौट लेकेंगे, नहीं समझ आई तो खाली हाथ आ जाएंगे। खाली हाथ आने में कोई बुरी बात नहीं है, नसीबों में वो मिल जाएगी। नहीं है आपके सामने, हम अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं। मलिक जी हमने यहाँ से यूटर्न लेके उस रोड पर जाना है, हम अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे चीज़ और हमारे रब ने जो हमारे हक में बेहतर लिखी हम वो लेके आए। बाकी आज का सीन इस तरह से है, अभी कुछ खाने पीने जा रहे हैं और व्यूज़ आपको दिखाते हैं। मरी जीगा गली चौंक पूरा इस टाइम सन्नाटे में पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है, मैं और मलिक तलाल जुड़ी की भाई खड़े हैं बस। अरे कहना क्या चाहते हो,
next day. इंटरनेशनल बर्गर फ्रॉम पिंडी, तो हम खाने आए हैं इंटरनेशनल बर्गर। और ये इन्हें जी अंडा गैप हो गया ही मेरा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कोई अंडा नहीं गैप होया तेरा, उन्हें पोया ही नहीं अंडा तेरा। तू आपे बोले अंडा नहीं पोना, ना शामी पोना है यार। ए व्लॉग बंद कर, कैमरा बंद कर, व्लॉग ने बंद होना जो नहीं निक तू कर, तू ठीक है? नहीं नहीं अच्छा सारा, मैं भाई व्लॉग बंद कर रही है। रोटी खान दे ओए, अब मलक साहब अपनी गंदी जुबान पे आएंगे। हमारा बर्गर भी आ गया है। वाओ चाचू बिग लव यार, मजा आ गया चाचू, बड़ा बड़ा प्यार। The next day, देख सकते हैं ये गाड़ी है जो कि हमने तकरीबन खरीद ली हुई थी। तो रात को हमने इस गाड़ी का टोकन दिया है। अब आप देख रहे हैं ये मैसेज, भाई आप सुबह, मैं रात को टोकन दे के आया तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे मैसेज करते समी भाई अबू की कहीं थोड़ा रुक जाएं, बैंक अभी ना जाएं, ड्राफ्ट ना बनवाएं, अकाउंट में मसला आ रहा है। ओके कोई मसला नहीं, मैंने कहा ओके। उसके बाद कहते ब्रो अबू ने बैंक जाना है, मैंने उनको कहा चलो छोड़ो डिटेल छोड़ो, मुख्तसर बताओ क्या। मैं 10% के पीछे लगा, ना ही मेरा फ़ोन उठाते हैं और ना ही मेरी आईडी कार्ड की कोई तस्वीर भेज रहे हैं। गाड़ी नहीं मिलेगी कोई मसले वाली बात नहीं, जो मेरा 70,000 है वो मुझे मेरा मिल जाए। ना मिले मुझे वो भी नहीं चाहिए यार, मैं लालची नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह ने दिया हुआ। कि जुबान बहुत बड़ी चीज़ होती है, इन्होंने अपने हाथ से वो पेपर लिखा हुआ। गाड़ी लेंगे ना फाइनली वो उसकी डील कैंसिल हो चुकी हुई है। खैर उनका कोई अपना कोई फैमिली इशूज था, तो खैर उनके बकौल उन्होंने बाइक लेनी थी, उनके वाले साहब नहीं मानने थे, वो ज़बरदस्ती गाड़ी बेच रहे थे। उनके घर बहुत स्यापा डला, लड़ाइयाँ, वो जो आगे उनके अपने पर्सनल घर में हुआ होगा उसका तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो खैर मैंने उनसे भी बेस्ट भी नहीं की, क्योंकि ऐसी चीज़ ले कि किसी ज़बरदस्ती ले कि वो मुझे कह रहे थे मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन यार मैं बहुत तंग हो जाऊँगा। मैं नहीं यार आप ऐसे ना करें, आप भी दोस्त हैं भाई, आप गाड़ी मुझे ना दें। तो जो होना था नसीब में वो हो चुका है, आप जो मैंने आपको टोकन ट्रांसफ़र किया वो दे दें, और जो हमने रसीद बनाई थी वो तो वो रसीद हम फाड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके हाथ की बनी हुई रसीद थी वो आप फाड़ दें, वो हम फाड़ के फेंक देंगे। From मोहम्मद इसहाक के, देखें ये है वो स्टाम्प जो हमने फाड़ दिया है क्योंकि हमारे नसीबों में गाड़ी नहीं थी। खैर चलते हैं लाहौर की तरफ, थोड़ा इस्लामाबाद थोड़ी देर रुकेंगे, तो बाकी दुआ कीजिएगा हमारे हक में कोई गाड़ी अच्छी बेहतरीन हो इंशाल्लाह। पहले बंदे जो सवारी हमारी पहली है वो जा रही है घर को, ठीक है जी, अल्लाह के वाले अपना ध्यान रखें, कोई जेजियाँ मेजियाँ यूजियाँ आए तो हमें बताएं, ठीक है। इस दफ़ा आप हमें खाली याद भेज रहे हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ध्यान रखें कार से जाएंगे। Five hours later. तो जी फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, आप चेक कर रहे हैं अंधेरा ही अंधेरा, ज़िंदगी में नहीं है बाहरी है। तो हम इस वजह से आज उदास नहीं है क्योंकि हमारे पास एक अदद गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है, जिसमें 1JZ GT सिंगल टर्बो है,
अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको इसका रिव्यू आगे जाके दूंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या इसका HP है, क्या ये गाड़ी है, किस तरह परफॉर्म करती है। तो आज के व्लॉग के लिए दे हमें ज़्यादा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।